हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 2 पॉपुलेशन पार्ट 2। ओके, सो अगर आप लोगों में से किसी को भी इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा, जो क्या था, चैप्टर 1 था, पॉपुलेशन पार्ट 1 था, अगर उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। ओके, लेकिन इस बार हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, पार्ट 2 विच इज चैप्टर नंबर 2। ओके, सो नाउ अभी हमें आ जाना है पेज नंबर 20 पर। हम वहाँ पर हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, सो देखो हम पेज नंबर 20 पर है। चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन, ए असर्शन, आर रीजनिंग। सो यहाँ पर जो भी आप लोगों को हाईलाइटेड दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन रीड करते हूँ एक बार, उसके बाद आप करोगे। सो ए इंक्रीजिंग इन डिपेंडेंसी रेशियो विल अफेक्ट द इकोनॉमी, आर मेडिकल कॉस्ट आर हाई व्हेन देयर आर मोर आइडेंटिटी इन द पॉपुलेशन। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, फोर्थ वन। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट वन इज ए इन पॉपुलेशन पिरामिड बोथ बेस इंडिकेट्स हाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ इकोनॉमी, आर बोथ एपेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ हाई नंबर ऑफ एडल्ट इन अ कंट्री। तो इसका भी क्या करना है, फोर्थ वन। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड माइग्रेशन। तो इसका आंसर ये दिख गया आप लोगों को स्क्रीन पर। ओके, एज इट इज ऐसे ही लिखना है, ठीक है, जैसे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ओके, ठीक है। आप कोई भी आंसर लिखते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि उससे पॉइंट में ही लिखो। ओके, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट तो हम लोगों ने देख लिया। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, पॉपुलेशन पिरामिड एंड सेक्स रेशियो। ओके, सो नाउ हियर इट इज, एज यू कैन सी इट्स क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड वन। ओके, okay guys, now question number 2 third one, occupational structure of a population। ये रहा थर्ड वाला, भी मिल गया हमें आंसर। ओके, ठीक है। चलो now next one is question number 3 I mean question number 2 fourth one, literacy rate। चलो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, ओके गाइस, आई होप आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 गिव ज्योग्राफिकल रीजंस। फर्स्ट वन इज इन डेवलप्ड कंट्रीज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर इज लो। सो ये आप लोगों को लिखना है उसमें। ओके, इन डेवलप्ड कंट्रीज देयर आर डेवलप्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें, आप खुद से भी लिख सकते हो आप लोग ये सब, लेकिन फिर भी मैं जो बता रही हूँ उसे एक बार रीड कर लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से आपका आंसर क्या हो सके, थोड़ा अच्छा बन सके, थोड़ा उसमें अच्छे पॉइंट्स हो, वैलिड हो, ठीक है। ऐसे एक ही चीज़ लिखोगे तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी सी चीज़ें भी दी हुई है, ठीक है, सेकेंडरी, टेरिटरी, सारी चीज़ें दी हुई है, मशीनरी, सबके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट है, लेकिन ये बहुत पावरफुल आंसर है आपके लिए। ओके, सो इसे एक बार पढ़ो और अपने हिसाब से ऐसे में ही लिखो। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड, लिटरेसी रेट ऑफ अ कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड, डेमोग्राफिक डिविडेंड इंक्रीजेस व्हेन प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। ठीक है, ये आप लोगों को दिख गया स्क्रीन पर। चलो now next one is question number 3 fourth और last भी, I mean question number 3 का last। okay, migration is not always permanent। ठीक है, okay guys। चलो अब हम देखेंगे question number 4 क्वेश्चन नंबर 4 डिफ्रेंशिएट बिटवीन फर्स्ट वन इज डोनर रीजन एंड रेसिपेंट रीजन। एंड देखो अभी हमें बार बार यहाँ पर आना पड़ा है ना, इसलिए अब क्या करते हैं, मैं आप लोगों को दोनों साथ में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखेंगे विच इज एक्सपेंसिव पिरामिड एंड कंस्ट्रक्टिव पिरामिड। ओके, सो सबसे अब हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, ठीक है। सो ये देखो, ओके चलो ये बहुत छोटे टैक्सेस हो गए क्या, अगर आप लोगों को लगता है छोटे हैं तो मुझे बता दो, अब से मैं थोड़े से इससे बड़े रखूंगी। ओके, बट स्टिल अगर आप स्क्रीनशॉट लेते तो उसे थोड़ा भी जूम करोगे ना तो दिख जाएगा। अगर आप लोगों को ये अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है तो स्क्रीनशॉट लेकर जब भी आप, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सारे मोस्ट प्रोबेबली स्क्रीनशॉट ही लेकर रखते होंगे, तो आप लोग उससे जूम करोगे तो दिख जाएगा। स्टिल आप लोगों को हर चीज़ में क्लियरिटी होनी चाहिए, तो अगर आप लोगों को लगता है छोटा है तो मुझे बताओ, मुझे तो नॉर्मल लग रहा है वैसे। ओके नाउ अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। ओके चलो ठीक है, इसे भी मुझे ऐसे थोड़ा जूम करके दिखा देना चाहिए था। सो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 अगेन देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स ये रहे हैं हमारे, उसके आगे के 3 पॉइंट्स ये रहे हैं। ओके और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये छोटा सा प्यारा सा है ना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन डिटेल। फर्स्ट आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड्स इन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ओके सो ये रहा। ओके चलो गाइस ठीक है, हमारे स्क्रीन पर क्या दिख रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। अगर देखो आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन आता होगा तो मैंने टॉप पर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से भी ऊपर देखो लिखकर ऑलरेडी रखा हुआ, हर जगह मैंने ऐसे लिखकर रखा हुआ है। ओके सो अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेते तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा, और मैंने इसीलिए ही लिखा कि आप लोगों को ये समझने में आसानी हो कि ऊपर ही आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग दिख जाए। ओके ओके नाउ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, ओके सो ये रहा हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब हमें बस एक और क्वेश्चन देखने, फिर हमारे चैप्टर हो जाएगा ओवर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन और हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। सो ये रहा, ओके सो आई होप आप लोगों को सारे आंसर्स अच्छे से समझ गए होंगे। अगर स्टिल आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं हूँ यहाँ पर। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन आता है मुझे पूछो, मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगी कि वो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके सो गाइज अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आपके दोस्तों को शेयर कर दो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके चलो ठीक है, स्टिल अगेन मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन आता है, कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप लोग क्लियर रहो अपने माइंड में, और अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगती है तो यस क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके शेयर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए भी और जो कुछ बच्चे हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत होगी। सो ये मेरा सबसे पहले यूट्यूब पर बनाने का मोटिव यही है कि शायद जो बच्चे ज़रूरतमंद हो, जिन तक आर्ट्स के बहुत कम टीचर्स होते हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। सो अगर आप लोगों को लगता है वो मैं रहूँ या कोई भी रहे, अगर आप लोगों को कोई भी टीचर का ऐसा लगता है कि बहुत सही जा रहे हैं तो यू शुड अप्रिशिएट देम। ओके और आप कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, यही जो हर यूट्यूबर अपने 3 वर्ड्स बोलता है अपने हर वीडियो में लास्ट में, वही। ओके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो आप अपना अप्रिसिएशन अपना सपोर्ट ऐसे दिखा सकते हैं। ओके सो गाइस हमारा ये भी चैप्टर ओवर हो गया। अगर मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं श्योरली नेक्स्ट चैप्टर भी ज़रूर अपलोड करूँगा और जल्दी अपलोड करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।